जैसे आपने चुनाव जीत लिया, तो चुनाव जीतने के बाद जो जनता होती है उसकी अपेक्षाएं एक प्रत्याशी से, विजेता उम्मीदवार से बढ़ जाती हैं। आपके प्रति भी लोगों को अपेक्षाएं रही होंगी, उन अपेक्षाओं पर आप खरे उतरने की कोशिश भी कर रहे होंगे, कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी रहे होंगे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि जो विरोधी पार्टी है तो उनका तो आरोप लगाना काम है, तो आरोप से अपने को कोई मतलब नहीं पड़ता है। अपना संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहेंगे, चलते रहेंगे संघर्ष की राह पर। जो शासन प्रशासन की लाभ है वो गरीब जनता जनार्दन तक पहुंचाता रहूंगा। उसके लिए जो विरोधी हैं तो चाहे मेरे ऊपर FIR करवाएं या चाहे मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगाए, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं जनता जनार्दन का, जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, जो एक जनता जनार्दन को, जो एक एक व्यक्ति को शासन प्रशासन का लाभ है, वह एक एक सथनी पंचायत के जनता जनार्दन को उसके घर घर पहुंचाने का मैं कार्य करूंगा। अभी बीच में चुनाव जीतने के बाद कुछ जो थे, कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे, हमारे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगा दिए, आरोप लगा दिए, जिसमें से जनता जनार्दन हमारे साथ थी। फिर इसके बाद FIR हुई हमारे ऊपर, हमको हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया। तो आरोपियों को तो काम है, क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा जिस तरह जनता जनार्दन का कार्य हो रहा है। और ऐतिहासिक मतों से इस 24 वर्ष के लड़के को जनता जनार्दन ने चुनाव जिताई है, एकदम संघर्ष के दम में, जो कि मेरा राजनीतिक से मेरे पिताजी, बाबा जी और पाजा जी का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। और 1 रुपए चुनाव में खर्चा नहीं किया हूं, जनता जनार्दन ने चंदा देकर मुझे चुनाव जिताया। और एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसा हमें पता चला कि जो ये सथनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुड़ियारी है, तो गांवों में राजनीति जो होती है तो वो टोलों में विभाजित हो जाती है। कई बार हम ऐसा देखते हैं, कई सारे गांवों की ये कहानी होती है कि जब चुनाव होता है तो उम्मीदवार के टोले को देख करके लोग वोटिंग किया करते हैं। यहाँ के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि मुड़ियारी 500-700 की जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जबकि पूरी सथनी जो है तो 2200-2300 की जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ऐसे में आप इस 500-700 वाले क्षेत्र से चुनाव लड़ करके पूरे ग्राम पंचायत के मुखिया बने, तो इसका क्या राज है और इसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई जिसकी वजह से आपको पूरे ग्राम पंचायत का सपोर्ट मिला? संघर्ष, जनता जनार्दन ने हमारे ऊपर भरोसा किया। मैंने 4 वर्ष जनता जनार्दन के लिए लगातार संघर्ष किया। उनको यह भरोसा हुआ कि अगर सतनी पंचायत में अगर कोई भ्रष्टाचार मिटा सकता है, जनता जनार्दन का अगर लाभ दे सकता है, तो एक हम लोगों का बालक है, वो राजनीतिक नहीं है, कोई नेता नहीं है, वो घर का लड़का है, सनी समदरिया, वही गरीबों के हर समय, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे नल की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कोई व्यक्ति बीमार हो, हर समय जो व्यक्ति बिना पद के संघर्ष कर रहा है, जनता जनार्दन का कार्य कर रहा है, तो उसको पद में आने की आवश्यकता है। और यही ऐसे सनी समदरिया व्यक्ति है जो जनता जनार्दन का, जो शासन प्रशासन का लाभ है, हम लोग जो आज दर दर भटक रहे हैं, तो उसको जिताने के बाद हम लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। हम लोगों का जो हक है, जो अधिकार है, वो हम लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारे घर का लड़का सनी समदरिया कराएगा। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आपके घर का लड़का है, ग्राम पंचायत के घर का लड़का है, लेकिन जो आपकी चर्चा है, जैसी हम बातचीत आपसे कर रहे हैं, तो आप एक मजे हुए राजनीतिक की तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर चाहे भले FIR करवा दी जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम डटे रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। तो आप सरपंच बन चुके हैं, आपके सरपंच बने रहेंगे अगले 5 वर्षों तक, तो क्या आपकी तरीके से जनता को तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि नहीं, आपने जो संघर्ष किया अब जनता को वही संघर्ष आपके कार्यकाल में करना पड़े? जनता जनार्दन को कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मैं जनता जनार्दन को बोल चुका हूं कि आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 से 7 महीने के अंदर अंदर सथनी पंचायत का नक्शा पलटने वाला है। जनता जनार्दन को जो अधिकार है, यहाँ पर कई सारे कार्य को हमारे प्रपोजल बन चुका है। जनता जनार्दन तक घर घर PCC रोड पहुँचाने का कार्य होगा। पानी की व्यवस्था, हर बस्तियों में एक 500 लीटर की टंकी बनवा के हर घर पानी भिजवाने का काम पंचायत में होगा। जनता जनार्दन को संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता जनार्दन से मेरा एक ही निवेदन है कि इस बेटे के ऊपर वो अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रहे।
और एक चीज और जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत में आपने प्रपोजल्स की बात की, कई सारी योजनाएं होती हैं ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए, कई बार उन योजनाओं का लाभ मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है कि लाभ नहीं मिल पाता, और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि जो पंचायत भवन होता है या जो आम बैठकें हुआ करती हैं, तो कई बार सरपंच और पार्षदों के अंदरूनी उस पर ये बैठकें हो जाया करती हैं और ग्राम पंचायत के निवासियों को उस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो आपने ऐसी क्या व्यवस्था बनाई है जिसकी वजह से किसी भी योजना के बारे में हर ग्रामवासी को जानकारियां उपलब्ध हो सके और जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको उन योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए आपने क्या कुछ नया किया है या क्या कुछ नया करने की योजना आप अपने दिमाग में रखते हैं? देखिए, हमारी खुली किताब है, जो भी योजनाएं आती हैं तो मैं एक शिविर लगवाता हूं पंचायत भवन के अंदर और पंचायत भवन में घोषणा करता हूं कि ये योजनाएं आ चुकी है। अभी हमने करीब 250 से 300 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया सिविल लगवा कर, जितने लोग खाद्यान्न के पात्र थे तो सिविल लगवा के उनका खाद्यान्न में नाम जुड़वाने का कार्य किया। जितनी योजनाएं आती हैं तो एक मैं शिविर के माध्यम से पंचायत भवन में जनता जनार्दन तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। जनता जनार्दन से कोई छुपी बात नहीं है, जनता जनार्दन के समक्ष हमारी खुली किताब रखी है। चलिए, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनता तक आप योजनाएं पहुंचाने का जो प्रक्रम है उसको पूरा करेंगे और इसी तरीके से शिविर लगा करके भविष्य में भी ऐसी योजनाओं का लाभ जो है तो जनता जनार्दन को मिलता रहेगा। बिल्कुल मिलता रहेगा। जनता जनार्दन के लिए मैं जिस तरह पहले संघर्ष किया हूं, फिर संघर्ष करूंगा। जहां से जनता जनार्दन का काम बनेगा, चाहे जिला लेवल से हो, चाहे जनपद लेवल से हो, चाहे कलेक्ट्रेट विभाग से हो, जो जनता जनार्दन की जो शासकीय योजना आएगी वह जनता जनार्दन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। अभी हालांकि एक लंबा कार्यकाल आपका बचा हुआ है, अभी 4 वर्ष से अधिक का कार्यकाल है इस सरपंच के तौर पर, उसके बाद आगे क्या? समाज सेवा, राजनीति नहीं, मैं जनता जनार्दन से भी बोलता हूं अभी भी कि मैं सरपंच नहीं हूं। आप लोगों ये मत कभी समझिएगा कि मैं सरपंच हूं, मैं आप लोगों का बेटा हूं और आप लोग जिस तरह मुझे पहले मानते थे, सरपंच मत मानिए, आप एक अपने बेटे के हिसाब से आपका जो कार्य हो अपने बेटे का ये मानिए कि शनि सरपंच नहीं है, शनि आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका भतीजा है, आप उसी रिश्ते से, जिस रिश्ते से कार्य के लिए आते थे आप उसी रिश्ते से आप आइए कार्य के लिए। जनता जनार्दन का हमारा सेवा ही हमारा सबसे बड़ा कार्य है। और संघर्ष की पृष्ठभूमि होने के साथ साथ आप राजनीति में अब एक प्रतिष्ठित पद सरपंच के पद पर आ चुके हैं, तो ऐसे में एक सवाल तो बनता है कि आगामी दिनों में किसी राजनैतिक दल की तरफ आपका रुझान होना या किसी राजनैतिक दल का सदस्य होना, तो किस तरफ आप जाएंगे या गैर राजनैतिक व्यक्ति बनकर के ही ऐसे जनता की सेवा करने की कोशिश करेंगे? मैं गैर राजनीतिक बनकर ही जनता जनार्दन का सेवा करूंगा। मेरा एक संगठन है भारतीय सर्व सेवा संगठन, उसका मैं पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। मुझे नेता नहीं बनना है, लोगों के दिलों में वास करना है, मुझे जनता जनार्दन का बेटा बन के कार्य करना है। लेकिन नेता तो आप बन चुके हैं, वो हो गए, आप पत्रकार है, बोल सकते हैं, लेकिन ये जनता बोले कि आप नेता बन चुके हैं तब आप मान लेंगे? हाँ, तब मानूंगा। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि नेता हमको बनना नहीं, अगर जनता बोल देती है कि आप नेता बन चुके हैं जी, तो फिर उसके बाद तो आप अपने ही बात से, तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता मेरे नजर में जनार्दन है, जनता ईश्वर है, जनता भगवान है। जनता की जो इच्छा पड़े, जनता अगर मुझे समाज सेवी के रूप से पसंद करना चाहती है तो समाज सेवी के रूप से पसंद करे, अगर एक नेता के रूप में पसंद करना चाहती है तो नेता के रूप में पसंद करे। जनता के ऊपर हम सब कुछ छोड़ा, क्योंकि हमारे नजर में जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर है, जनता भगवान है, चाहे वो कोई भी वर्ग के हो, चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य वर्ग के लिए, मैं सबके लिए एक सामान्य हूँ और हमारी कोई जाति पाति नहीं है, मैं सबको एक सामान्य दृष्टि से देखता हूँ और जनता जनार्दन हमारे लिए निर्णायक है। जनता जनार्दन जो निर्णय देगी, इस बेटे को अभी समाज सेवी के रूप में देख रही है तो इस समाज सेवी के रूप में पसंद हूँ, जब जनता जनार्दन की इच्छा पड़ेगी तो नेता के भेष में बोलेगी कि अब आप नेता बन जाइए, जब जनता जनार्दन की इच्छा होगी तो नेता बन जाएंगे। एक तरीके से हम उम्मीद कर सकते हैं कि सथनी को जो ये नवीन सरपंच मिला है जी, तो इस नवीन सरपंच के नेतृत्व में सथनी ग्राम पंचायत उत्तरोत्तर विकास करते हुए
विकास की एक नई परिभाषा गढ़ेगी और यहाँ के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा, जी तो ऐसा हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, एक हम बात बोलेंगे, जो हक है मेरा उसे छीन के लाएंगे, जो हक है जनता का उसे छीन के लाएंगे, सथनी पंचायत को सथनी धाम बनाएंगे, सथनी पंचायत को सथनी धाम बनाएंगे। तो आप गीत गीत भी गाते हैं? हाँ, सब थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, ये मेरा लक्ष्य है, ये जनता की आवाज है और ये जनता जनार्दन को मैं 6 महीने के अंदर अंदर सथनी धाम बना के दिखाने का कार्य सथनी की जनता जनार्दन का ये गरीब बेटा शनि समदरिया करेगा। और जो लोग, आपने जैसे कहा कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, जी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके विरोध में रहे हैं, जी तो उनको अपने पक्ष में लाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनसे, या किस तरीके से उनको संतुष्ट करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी? देखिए क्या है कि जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनको कोई समाज सेवी संतुष्ट नहीं कर सकता है। भाई जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो एक सरपंच से उम्मीद रखता होगा कि मुझे पैसा मिले, मैं दलाली करूं, जनता जनार्दन का कार्य ना हो, तो ये संभव नहीं है। जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनको उनका विरोध करना काम है और अपना विकास करना काम है। वो अपने विरोध में जुटे रहे, वो विरोध करते रहे और मुझे जनता जनार्दन को विकास करके दिखाना है। तो विकास ही एक जो है तो एकमात्र आपका मार्ग है, संकल्प है, मार्ग है, और उसी मार्ग पर चलते हुए आप सफलता के ऐसे ही सोपानों को गढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। और आपने खबरदार न्यूज के लिए इतना अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सथनी ग्राम पंचायत के सरपंच शनि समदरिया जी, जिन्होंने संघर्ष से अपने जीवन की शुरुआत की और सरपंच बनने के बाद लगातार गांव के विकास की बातें कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो बातें हैं वो इस सथनी धारा पर भी उसी तरीके से अंगीकार की जाएंगी, और जब हम आगे भविष्य में इस सथनी ग्राम पंचायत में दोबारा आएंगे तो जैसा इन्होंने अपने गीत के माध्यम से बताया है कि इस सथनी ग्राम पंचायत को सथनी धाम बनाने की इनकी योजना है, तो वो जमीन पर भी देखने को मिलेगी। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।